प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे अपना अगला अध्याय नाभिकीय अभिक्रियाएं न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाभिकीय अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं हम कहते किसे हैं। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं नाभिकीय स्तर पर होने वाली ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें नाभिक एक मूल इकाई के रूप में उपस्थित होता है, यानी नाभिक वहाँ पर होगा ही होगा, चाहे वो किसी भी आपके पास तत्व का नाभिक हो। तो ये एक मूल इकाई के रूप में जब उपस्थित होता है तो हम ये कहते हैं, यानी नाभिक से जुड़ी हुई जितनी भी रिएक्शंस हैं वो कहलाती हैं नाभिकीय अभिक्रियाएं। जैसे कि हमने पूर्व में देखा है रेडियो एक्टिविटी है, जिसमें नाभिक से अल्फा बीटा गामा कण निकलते हैं, वो भी एक प्रकार की नाभिकीय अभिक्रिया है। उससे आगे हमने अध्ययन किया है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का। नाभिकीय विखंडन में हमने देखा नाभिक टूटता है और दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है, साथ में ऊर्जा और अन्य कण निकलते हैं, तो ये भी एक प्रकार की नाभिकीय अभिक्रिया है। इसी तरह नाभिकीय संलयन में हमने देखा कि हल्के नाभिक जोड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं और ऊर्जा निकलती है, ये भी क्या है, एक प्रकार की नाभिकीय अभिक्रिया है। और किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि एक्स एक नाभिक है, उस पर कोई कण ए आपतित हुआ, उसकी वजह से जो उत्पाद बने वो है वाई, और एक कण उत्सर्जित हुआ और उत्पाद नाभिक बना है वाई, और एक कण उत्सर्जित हुआ वो है बी। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसे लिखें तो एक्स नाभिक पर यानी टारगेट न्यूक्लियाई पर हमने ए कण को इंसिडेंट कराया है, आपतित कराया है, उसकी वजह से एक प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बन रहा है वाई, और एक कण एमिट हो रहा है वो है बी। तो यानी शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिखते हैं एक्स ए कॉमा बी ब्रैकेट में और वाई। तो यह है किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया को छोटे रूप में व्यक्त करने का एक तरीका। तो दोनों तरफ हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड में है लक्ष्य नाभिक टारगेट न्यूक्लियाई, और आपके पास राइट साइड में है आपके पास प्रोडक्ट न्यूक्लियाई। और पहला जो हमने ब्रैकेट में लिखा है पार्टिकल वो है इंसिडेंट पार्टिकल, और दूसरा जो पार्टिकल लिखा है वो है एमिटेड पार्टिकल। अब नाभिकीय क्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं उस पर हम जाते हैं। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं को हम संक्षेप में यहाँ समझेंगे, बाकी एग्जाम्पल्स आप अपनी किताब में देख सकते हैं, यहाँ शॉर्ट में हम समझा रहे हैं आपको। तो पहली अभिक्रिया है प्रत्यास्थ प्रकीर्णन की। प्रत्यास्थ प्रकीर्णन की क्रिया में जब नाभिक से टक्कर होती है तो उसके ना तो संवेग में परिवर्तन होता है ना उसकी ऊर्जा में, तो यानी एक्स नाभिक से एक्स ही उत्पाद बन रहा है, और इंसिडेंट पार्टिकल भी वही है और उत्पाद पार्टिकल भी वही है। यानी यहाँ जैसे हमने सोने का दिया है, लेकिन उससे क्या हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है किसी एंगल पर। जैसे कि आप देखते हैं रदरफोर्ड प्रकीर्णन की हम बात करते हैं, उसमें नाभिक नहीं बदलता है लेकिन स्कैटरिंग उस पार्टिकल की हो जाती है। तो एयू यानी सोने के नाभिक पर अल्फा कणों का प्रहार कराया तो अल्फा कण ही निकल रहे हैं और सोने का नाभिक वैसे ही बना हुआ है। अब यहाँ पर दूसरी प्रकार की प्रक्रियाएं हैं अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, जिसमें भी आपके पास जो ऊर्जा है वो संरक्षित नहीं रहती लेकिन संवेग संरक्षित रहता है। तो एक्स जो नाभिक है उस पर ए कण का प्रहार कराया और ए ही निकल रहा है, लेकिन किस स्तर में आ गया, वो जो नाभिक था वो आपका उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है। इसलिए हम इस जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हमने लिखा है कि लिथियम से पर जब हमने प्रोटोनों का प्रहार किया तो प्रोटोन एज इट इज है, लिथियम भी है, लेकिन लिथियम किस अवस्था में आ गया है, एक्साइटेड स्टेट में आ गया है। अब तीसरी प्रकार की हमारी प्रक्रिया है फोटो विखंडन की प्रक्रिया। इस फोटो विखंडन की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि आपके पास गामा किरणों का प्रहार कराते हैं, तो नाभिक तो हमारे पास वही रहता है लेकिन गामा किरणों की जो ऊर्जा है वो क्या होती है, बदल जाती है। अब यहाँ पर ये जो नाभिक है वो किस रूप में आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है और एक और गामा किरण का उत्सर्जन करके अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है। जैसे क्रिप्टॉन है, इसने गामा किरणों का अवशोषण किया तो ये उत्तेजित अवस्था में आ गया है, और उत्तेजित अवस्था में आने के बाद ये ग्राउंड स्टेट में आने के लिए पुनः दूसरी गामा किरणों का उत्सर्जन करता है, क्योंकि ये हो सकता है कि अधिक ऊर्जा का ग्रहण कर रहा हो गामा किरण और इसकी जो ऊर्जा स्तरों का अंतर है वो कम है, तो इसलिए वो उतनी ही ऊर्जा स्तर की गामा किरण को उत्सर्जित करके अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। अब दूसरी तीसरी चौथी प्रकार की किरण है हमारे पास जो क्रिया है वो है विकिरणी प्रग्रहण। और इस विकिरणी प्रग्रहण में पार्टिकल क्या करता है आपके पास कि एक कण को जो ग्रहण करता है उसकी वजह से विकिरण उत्सर्जित करके एक दूसरा नाभिक बनाता है। तो यहाँ पर जैसे कि सोडियम ने इस पर न्यूट्रॉनों का जब प्रहार हमने कराया तो ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया है और इसने गामा किरणों का उत्सर्जन किया है। क्योंकि अब ये एक्साइटेड स्टेट में है तो पुनः आपके पास हम ये जानते हैं ये अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन की प्रक्रिया से गुजरेगा।
या फोटो विखंडन की प्रक्रिया से गुजरकर ये ग्राउंड स्टेट में आएगा। इसी तरह कार्बन 12 ने क्या किया है, प्रोटोनों का जब इस पर प्रहार कराया गया तो नाइट्रोजन 13 बना और साथ में क्या निकली है, गामा किरण, यानी विकर्णी प्रगण में मतलब गामा किरणें यहाँ पर निकलेंगी ही निकलेंगी। अब अंशहरण या सीधी अभिक्रिया में क्या करता है कि जो भी पार्टिकल का प्रहार कर पर पार्टिकल का प्रहार कराते हैं हम, उसमें से ये क्या करता है, उसका कुछ भाग का अवशोषण कर लेता है। जैसे कि हमने कहा जो पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है उसका कुछ भाग ये अवशोषित कर लेता है। जैसे कि यहाँ ड्यूटीरियम का हमने प्रहार कराया है तो ड्यूटीरियम में से इसने क्या किया है, एक कण का यानी एक प्रोटॉन का इसने अवशोषण कर लिया तो एक प्रोटॉन बच गया, यानी कि एल्यूमिनियम 27 से ये बन गया है 28 के बराबर। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, ड्यूटीरियम में 1H2 है ये हम देखते हैं, और 1H2 से किस में कन्वर्ट हो गया, ये 1H1 में कन्वर्ट हो गया है। तो इसने एक अंश जो इस ड्यूटीरियम का था वो ग्रहण कर लिया है और 27 से 28 बन गया। इसी तरह ये कॉपर के लिए क्रिया है। अब है अगली अभिक्रिया भारी आयन की क्रिया। तो भारी कणों पर जब हम प्रहार भारी कणों से जब हम प्रहार कराते हैं, यानी भारी कणों का किसी भी कण पर प्रहार किया जाता है तो वो कौन सी होती है, भारी आयन प्रक्रिया हो जाती है। जैसे यहाँ बिस्मिथ मैंने ली, यहाँ बोरॉन मैंने लिया है, बोरॉन पर ये भारी कण कौन सा है, ऑक्सीजन यानी अल्फा, और उससे भारी कणों का प्रहार कराया जाएगा तो भारी आयन प्रक्रिया होगी, अभिक्रिया होगी। तो यहाँ ऑक्सीजन का जब मैंने इस पर प्रहार कराया तो क्या बना, हीलियम और सोडियम। इसी तरह यहाँ पर एल्यूमिनियम पे एक भारी नाभिक किसका प्रहार कराया, कार्बन, यानी यहाँ जो भी हम प्रहार करा रहे हैं वो आपतित कण क्या है, एक भारी कण है। तो ये अभिक्रिया कैसी हो जाती है, भारी आयन अभिक्रिया हो जाती है। अब अगली क्रिया है विखंडन अभिक्रिया, और इन विखंडन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, तत्वांतरण की भी ये अभिक्रियाएं कहते हैं। तो जैसे अब ये तत्वांतरण किस किस प्रकार द्वारा हो सकता है, तो सबसे पहला हम लेते हैं अल्फा कण द्वारा तत्वांतरण। तत्वांतरण यानी तत्व बदल जाना, तत्व बदलने का मतलब कि परमाणु क्रमांक बदलेगा, तत्व बिल्कुल ही बदल जाएगा, तो एक्स से क्या बनेगा, हमेशा वाई बनेगा। तो अल्फा कणों के से तत्वांतरण में हम क्या कराते हैं, हमेशा ही किसी कण पर किसका प्रहार कराएंगे, अल्फा कणों का, तो क्या बनेगा, एक दूसरा तत्व बन जाएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए जिंक में मैंने अल्फा कणों का प्रहार कराया तो क्या बन गया है, गैलियम बन गया है और क्या निकल रहा है, प्रोटॉन। इसी तरह एल्यूमिनियम पर मैंने अल्फा कणों का प्रहार कराया तो क्या बन रहा है, फास्फोरस और न्यूट्रॉन निकल रहा है। तो यानी हर दोनों स्थितियों में मैं देखूं तो मैंने किसका कराया है, प्रहार अल्फा कण का, यानी आपतित कण कौन सा है, अल्फा कण। तो तत्वांतरण किसके द्वारा हो रहा है, अल्फा कणों द्वारा। अब प्रोटॉन के द्वारा तत्वांतरण में हम किसका प्रहार कराएंगे, प्रोटॉनों का, तो तत्व बदलेगा। जैसे कि लिथियम से प्रोटॉनों का प्रहार कराया, बेरिलियम बना, मैग्नीशियम पे प्रोटॉनों का प्रहार कराया, ऑक्सीजन बना। इसी तरह न्यूट्रॉन द्वारा तत्वांतरण भी हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन पे न्यूट्रॉन का प्रहार कराया, कार्बन 14 बना, कॉपर पे न्यूट्रॉन का प्रहार कराया, कॉपर 64 बन गया है। तो ये है किस प्रकार से हमारा तत्व बदल जाता है। अब हम देखते हैं ड्यूट्रॉन द्वारा, तो ड्यूट्रॉन में क्या होता है कि हम ड्यूट्रॉन का प्रहार कराएंगे, तो ड्यूट्रॉन का प्रहार कराया नाइट्रोजन पर तो कार्बन 12 बना, ऑक्सीजन पर ड्यूट्रॉन का प्रहार बनाया तो फ्लोरीन बन गया। अब अगली अभिक्रिया है, तत्वांतरण के बाद अगली अभिक्रिया हमारी है बहुपिंडीय या खंड अभिक्रिया। इसमें भारी नाभिक में हम क्या करते हैं, कोई कण आपतित कराते हैं तो क्या बन जाता है, उत्पाद नाभिक। जैसे एक्स पर भारी कण था, उस पर मैंने ए का प्रहार कराया तो क्या बना, वाई बना और जेड नाभिक बना। जैसे कि यूरेनियम यानी विखंडन की प्रक्रिया जो हम पहले पढ़ चुके हैं, निविखंडन प्रक्रिया में हमने क्या किया था, यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉनों का प्रहार कराया था तो उत्पाद नाभिक बनते हैं और न्यूट्रॉन निकलता है। और हल्के नाभिकों में हमने क्या किया कि ऑक्सीजन में, यानी दोनों प्रकार से यह अभिक्रिया हो सकती है, भारी नाभिकों में भी और हल्के नाभिकों में भी। तो हल्के नाभिकों में हमने क्या किया है, हाइड्रोजन का प्रहार कराया है तो कार्बन 14 बन गया और 3 हाइड्रोजन और निकले हैं। तो अब यहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण इसका कौन सा है, नाभिकीय विखंडन और संलयन अभिक्रिया है। अब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया भी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन सारे चारों संलयित होते हैं और हीलियम 4 बनाते हैं। इसमें हमने देखा था ये कार्बन कार्बन नाइट्रोजन चक्र भी हो सकता है और हाइड्रोजन प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र भी हो सकता है। और मूल कण अभिक्रिया की, मूल कण अभिक्रिया वो होगी जिसमें या तो इन अभिक्रियाओं में नाभिक या तो मूल कण उसमें भाग लेंगे या मूल कण उसमें बनेंगे। तो जैसे प्रोटॉन पर प्रायोन की अभिक्रिया हुई तो आपके पास केयन और ओमेगा वाला बना है। इसी तरह पाई में पी पर हमने पाई माइनस का प्रहार कराया तो पाई 0 और न्यूट्रॉन बने। तो इस प्रकार से 10 भागों में हमने इनका वितरण देखा है। अब हम ये देखते हैं नाभिकीय अभिक्रियाओं में संरक्षण नियम कौन कौन से लागू होते हैं। तो सबसे पहला संरक्षण नियम है आपके पास परमाणु क्रमांक या आवेश का संरक्षण होगा। जो भी नाभिक्रिया होगी उसमें परमाणु क्रमांक जितना अभिक्रिया से पहले है उतना ही अभिक्रिया के बाद होगा।
तो यहाँ पर हमने देखा इसका परमाणु क्रमांक 4 और ये 2 6 हो गए, और ये 6 प्लस 0 यानी 6, तो परमाणु क्रमांक का क्या हुआ इस अभिक्रिया में, संरक्षण हुआ। दूसरा है आपके पास द्रव्यमान का संरक्षण होगा, उस द्रव्यमान का संरक्षण संख्या का संरक्षण होगा। जैसे उक्त अभिक्रिया में अगर हम देखें तो 9 और 4 13 है द्रव्यमान संख्या अभिक्रिया से पूर्व, और अभिक्रिया के बाद भी 12 प्लस 1 यानी 13। तो क्योंकि हम ये मान के चलते हैं न्यूक्लियॉन ना तो उत्पादित हो सकते हैं और ना ही नष्ट हो सकते हैं, इसलिए नाभिक की अभिक्रिया से पहले जो कुल परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या थी वही नाभिकीय अभिक्रिया के बाद भी रहेगी। और तीसरा है ऊर्जा का संरक्षण, कि ऊर्जा जितनी अभिक्रिया से पूर्व थी उतनी ही अभिक्रिया के बाद होगी। तो एक्स कण के लिए ये इसकी ऊर्जा है, ये इसकी ऊर्जा, और ये है इसकी रेस्ट मास एनर्जी, ये कण की रेस्ट मास एनर्जी और ये कण की गति ऊर्जा। ये वाई कण की गति रेस्ट मास एनर्जी और ये वाई कण की गति ऊर्जा। ये बी कण की रेस्ट मास एनर्जी और ये बी वाली कण की गति ऊर्जा। तो कुल गतिज ऊर्जा और कुल रेस्ट मास एनर्जी का योग जितना आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है यानी अभिक्रिया से पूर्व है, उतना ही अभिक्रिया के बाद भी रेस्ट मास एनर्जी और कुल ऊर्जा का योग है। अब संवेग संरक्षण, ये तो हम जानते हैं कि हर अभिक्रिया जो भी इस नेचर में एग्जिस्ट होती है वो संवेग संरक्षण का पालन करती है, रेखीय संवेग भी और कोणीय संवेग भी। तो यहां भी हमने मान लिया कि एक्स पार्टिकल का जो रेखीय संवेग है वो पी एक्स है, ए पार्टिकल पी है, तो कुल जो रेखीय संवेग है वो पी एक्स प्लस पी ए किसके बराबर होगा, पी वाई प्लस पी वी के बराबर होगा, जहां ये सब पी के क्या है रेखीय, इन कणों के क्या है रेखीय संवेग है। अब कोणीय संवेग हम मान के चलते हैं, तो कोणीय संवेग दो तरह के हो सकते हैं, एक तो कोणीय कक्षीय, एक तो कक्षीय कोणीय संवेग होगा और दूसरा होगा नाभिकीय स्पिन के लिए। तो नाभिकीय कोणीय संवेग और कक्षीय कोणीय संवेग दोनों समान, दोनों का जो योग है वो जितना अभिक्रिया से पहले है उतना ही अभिक्रिया की बात होता है। तो यहाँ पर यही चीज हमने इसको दर्शा रखी। और फिर समता का संरक्षण, चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं कि पेरिटी क्या रहती है, हमेशा कंजर्व रहती है, और पेरिटी का मान क्या लिखा जाएगा कि पाई एक्स पाई ए माइनस वन की पावर एल एक्स, क्योंकि जो पेरिटी है वो माइनस वन की पावर एल से दो तक है उसका। और जो प्रचक्रण है और या हम कहें स्पिन, और जो उससे रिलेटेड जो स्टेटिस्टिक्स है उसका भी क्या होता है, संरक्षण होता है, कि अगर आपके पास कुल स्पिन अभिक्रिया से पहले अर्धपूर्णांक है तो अभिक्रिया के बाद भी अर्धपूर्णांक ही आनी चाहिए, और अगर आपके पास अभिक्रिया से पूर्व पूर्णांक है तो अभिक्रिया के बाद भी स्पिन टोटल क्या आनी चाहिए, मिला के हर पार्टिकल के दोनों के मिला के जो स्पिन है वो जो क्या है वो क्या रहनी चाहिए, संरक्षित रहनी चाहिए। अब आइसोटोपिक स्पिन, यानी ये सब वही चीजें हैं जो हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ी हैं, और ये सब क्या रहती हैं, नाभिकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित रहनी चाहिए। आइसोटोपिक स्पिन की भी हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी, तो आइसोटोपिक स्पिन का भी जितना आपके पास मान अभिक्रिया से पूर्व है कुल, वही अभिक्रिया के बाद मुझे मिलना चाहिए, यानी टी आई इज इक्वल टू टी एफ होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम संरक्षण नियमों की बात करते हैं। अब हम चलते हैं काइनामेटिक्स क्या है, इनकी गति की क्या है। तो इनकी गति की यानी संरक्षण नियमों का जब पालन होता है नाभिकीय अभिक्रियाओं में तो इनपे कुछ प्रतिबंध लगते हैं, और ये प्रतिबंध क्या कहलाते हैं, इनके काइनामेटिक रिस्ट्रिक्शंस कहलाती हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक अभिक्रिया मैंने कंसीडर करी है कि एक्स नाभिक पर एक टारगेट नाभिक पर क्या आता है, एक पार्टिकल आपतित होता है ए और उससे उत्पाद बनता है, और एक एमिट पार्टिकल होता है बी। तो कण हमने मान लिया कि जो लक्ष्य नाभिक है किसमें है, वो टारगेट जो न्यूक्लियाई है वो रेस्ट पर है, और जो आपके पास रेस्ट पर है तो ई एक्स का मान जीरो होगा, और एक्स जो विराम ऊर्जा है वो उसकी कितनी हो जाएगी, एम एक्स सी स्क्वायर के बराबर। कण ए की गति ऊर्जा कितनी है, ई है, इसकी विराम ऊर्जा कितनी है, एम ई सी स्क्वायर है। जो उत्पाद नाभिक है उसकी गति ऊर्जा कितनी है, ई वाई है, इस नाभिक की कितनी विराम ऊर्जा है, एम वाई सी स्क्वायर है। उत्सर्जित कण की जो गति ऊर्जा है वो ई बी है, और उसकी विराम ऊर्जा कितनी हो जाएगी, एम बी सी स्क्वायर हो जाएगी। तो ऊर्जा संरक्षण नियम से हम बात करें तो कुल ऊर्जा जो पहले है अभिक्रिया से पहले वो कितनी हो जाएगी, एम एक्स, क्योंकि इसकी गति ऊर्जा तो जीरो है, सिर्फ विराम एनर्जी है, इसलिए एम एक्स सी स्क्वायर, और इसमें दोनों एनर्जी है इसलिए ई ए प्लस एम ए स्क्वायर। ये हो गई अभिक्रिया से पूर्व की ऊर्जा, और अभिक्रिया के बाद की ऊर्जा, तो ये कण वाई की ऊर्जा और ये कण पी की ऊर्जा, तो दो सबको हमने मिला दिया। तो जो काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म है वो हमने एक साइड ले ली है, तो काइनेटिक एनर्जी वाली एक टर्म को साइड लिया तो ई वाई प्लस ई पी ये इधर आएगा तो माइनस ई ए हो गया, और रेस्ट मास एनर्जी वाले टर्म्स को हमने एक साथ ले लिया तो सी स्क्वायर, यहाँ पर जो इंसिडेंट पार्टिकल वाली टर्म है वो हमने एक साथ ले ली है, और एमिट वाले की हमने अलग कर ली है।
तो अभिक्रिया में भाग लेने वालों की जो रेस्ट मास एनर्जी आई वो है एम एक्स प्लस एम ए सी स्क्वायर, और अभिक्रिया से उत्सर्जित होने वालों की जो अभिक्रिया रेस्ट मास एनर्जी आई वो हो गया एम बी एम वाई प्लस एम बी इंटू सी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से ये जो ऊर्जा निकलती है संरक्षण, यानी कि जो गतिज ऊर्जा आपके पास अभिक्रिया के बाद कणों की है, उसमें से हमने जो कणों की ऊर्जा अभिक्रिया से पूर्व है वो घटाई, तो ये मुझे देता है क्यू वैल्यू। और ये जो क्यू वैल्यू है, यानी ये क्यू वैल्यू क्या बता रहा है कि नाभि में जो ऊर्जा का डिफरेंस है वो मुझे कितना मिला है, और ये किस पर डिपेंड करता है कि रेस्ट मास एनर्जी का अंतर कितना है जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन कणों की और जो अभिक्रिया से उत्पादित हो रहे हैं उन कणों की। एक तरह से मास डिफेक्ट है। तो ये मास डिफेक्ट किसमें बदल रहा है, ऊर्जा में बदल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि नाभ की ऊर्जा में कितनी एनर्जी प्रकट होगी, ऊर्जा जो उत्सर्जित होगी वो कितनी होगी, या फिर हम इसको उल्टे रूप में देखें तो ये भी कह सकते हैं कि कितनी ऊर्जा मुझे देनी होगी अगर मुझे अभिक्रिया को शुरू करना है, यानी अवशोषित ऊर्जा कितनी होगी। यानी कुछ अभिक्रियाएं ऐसे हैं जिसमें हमें ये ऐसे देखने को मिलेगा कि ये ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, और कुछ में हमें ये ऊर्जा पहले देनी पड़ती है। तो दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, एक तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया भी होती है। तो ये क्यू का जो मान है ये डिसाइड करता है कि एनर्जी बैलेंस कैसा होगा, कि ऊर्जा प्रकट होगी या अवशोषित होगी। तो जब ये क्यू धनात्मक है तो हम कहते हैं कि अभिक्रिया कैसी होगी, ऊष्माक्षेपी होगी, ऊष्मा उन्मोची होगी। तो इस स्थिति के लिए आपके पास जब हम कह रहे हैं क्यू धनात्मक है तो स्वाभाविक है ये वाली टर्म ज्यादा है, ये वाली टर्म कम है। तो इसका मतलब आपके पास ईए का जो मान है वो ईवाई प्लस ईबी से कम है, और इसलिए अगर मैं इससे देखूं क्योंकि ये धनात्मक आ रहा है तो एमएक्स प्लस एमए का मान जो है एमवाई प्लस एमबी से ज्यादा है। तो इसका मतलब आपके पास जो अभिक्रिया में जो उत्सर्जित उत्पाद हो रहे हैं उनकी ऊर्जा का मान ज्यादा है, किससे, जो कि अभिक्रिया में भाग ले रहा है कण उससे। तो ये क्यू का मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। और अगर ये क्यू ऋणात्मक है तो अभिक्रिया कैसी कहलाती है, ऊष्माशोषी कहलाती है, यानी इसमें ऊर्जा एब्जॉर्ब की जाएगी, ऊर्जा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। और इस अभिक्रिया में चूंकि क्यू ऋणात्मक है इसलिए ईए का मान, यानी जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं पार्टिकल्स उनकी ऊर्जा का मान उत्पादों की जो ऊर्जा है उससे अधिक होगा। इसलिए इस अभिक्रिया को करने के लिए हमें क्या होगा, कण को ऊर्जा उसमें इसमें कण इसमें क्या ऊष्मा क्या की जाएगी, अवशोषित की जाएगी। तो एम एक्स प्लस एम ए का मान क्या होगा, एम वाई प्लस एम बी के बराबर होगा। यानी ओवरऑल अगर मैं काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन देखूं तो ये क्यू वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ऊर्जा किसी भी अभिक्रिया में अवशोषित की जाएगी या फिर उत्सर्जित की जाएगी, और ये बात डिपेंड करती है कि जो उसमें भाग ले रहे हैं कण या उत्सर्जित जो कण हो रहे हैं उनकी ऊर्जा का अंतर कितना है, उनकी गति ऊर्जा का अंतर कितना है, उनकी रेस्ट मास एनर्जी का अंतर कितना है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। धन्यवाद।